अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है, इवन दो मैं रात में काफ़ी लेट सोई थी, लेकिन काफ़ी जल्दी उठ गई, बिकॉज बहुत काम शाम करना था, कमरे की कुछ फिनिशिंग टचेस करनी है, जिन्होंने हमें ड्रॉर्स बनाए उन पर अपडेट लेनी है, खाना पकाना है, ग्रोसरी करनी है, सो अलॉट टू डू। दर्जी से अपने कपड़े भी पिक करने हैं और आप लोगों को दिखाने हैं, सो अलॉट टू डू, और आप लोगों को भी साथ साथ लेके चलेंगे। वीडियो बनाते बनाते मुझे बाहर छोटे से पपीज नजर आए, सो वी आर गोइंग टू फीड देम। गाइस ये चेक करें जरा, पूशी कैट लोनली हुई है ना, उनकी मामा गई हुई है, तो ये इधर अली के साथ जो है पूशी कैट तब से सो रही है। जी गाइस, सो सिंस हमारे बिस्तर, हमारी जो अभी नया स्टफ था उसमें जो स्टोरेज थी वो कम थी, तो मैंने कुछ अंडर द बेड स्टोरेज बैग मंगवाए जस्ट टू कीप सम आइटम्स जो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होते, जैसे हमारे फ़ोन्स और लैपटॉप्स के डब्बे हो गए, और क्या कहते हैं, कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि बहुत रेयरली निकलते हैं, तो वो जो है अंडर द बेड मैंने शाकिर से मंगवाया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ऑल्सो आई डिसाइडेड कि आज से जो है मैं रोज़ जूस पिया करूँगी, बिकॉज पहले जो है बहुत पहले कराची में मैं कोल्ड प्रेस जूसेस खुद बनाती थी जूसर से, जो स्लो जूसर जूसर होता है, मास्टिकेटिंग जूसर वहाँ से, एंड इट यूज़ टू ओवरऑल हैव अ वेरी नाइस इफेक्ट, लाइक यू नो मेरा पेट सही रहता था, मेरी स्किन बहुत हेल्दी फील करती थी, हाइड्रेशन लेवल्स जो हैं वो सही रहते थे, तो आई डिसाइडेड कि आज से जो है मैं अच्छे अच्छे हेल्दी जूसेस पीऊँगी और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरह के हैं अंडर द बेड स्टोरेज बॉक्सेस, ये वैसे क्विल्ट के हैं लेकिन ये इस तरह से बंद हो जाते हैं, यू कैन जस्ट स्टोर दैम एनी वेयर, तो ये कमलों शमलों के लिए होते हैं, बट आई थॉट कि ये ज़रा कॉम्पैक्ट हैं तो ये ज़्यादा बेहतर लगेंगे अंडर द बेड। अच्छा जी गाइस, सो दिस इज़ माय स्लो जूसर, इट इज़ बाय एएमजी शेफ, आई ऑर्डर इट थ्रू कारखाना ऑनलाइन, लिंक मैं नीचे लगा दूंगी। ये एक मास्टिकेटिंग जूसर होता है, इसका ये होता है कि ये जो है मैक्सिमम आपके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व करता है, और इसके साथ ये एक मैनुअल है बड़ा अच्छा सा, आई थिंक आई एम येट टू कम अक्रॉस सच ए नाइस मैनुअल, ये इसका मॉडल नंबर है, एंड इसमें जो है क्या कहते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से जो है हर चीज़ असेंबलिंग, उसको डिसअसेंबल कैसे करना है, ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, कोई मसला हो जाए तो आपने कैसे डील करना है, हर इंडिविजुअल पार्ट उसका सब कुछ जो है बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और साथ में जो है ये डिफरेंट फ्रूट्स की कैलोरीज और उनके बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं। ये भाई पीछे से हमना के कमरे का भी पेंट हो रहा है, और आसिफ भाई को तो हम लोगों ने जो है ना थोड़ा परमानेंटली हायर कर लिया पेंट के लिए, माशाल्लाह से इन्होंने मेरे कमरे का भी इतना अच्छा पेंट किया था, इट वॉज़ सो नीट एंड सो नाइस, तो डैडी ने भी उनसे कराया है, और ये जो है हमना के भी कमरे का पेंट हो रहा है, हम ना तो सेम ही करा रही है जस्ट टच अप। जी गाइस, ये हमारा दूसरा चेस्टर भी आ गया है, आई नो कि थोड़ा सा जो है ये क्रैम्ड लग रहा है, बट वी ऑनेस्टली नीडेड द स्टोरेज, तो ये ज़रूरी था थोड़ा। चलिए जी गाइस, अब मैं जा रही हूँ कुछ ग्रोसरी और घर का सौदा लेने, आउच अली सॉरी मेरे ऊपर दरवाज़ा बंद कर रहे हो, बाय बाय, डू यू वॉन्ट समथिंग, अभी क्या खाओगे आप, खाना तो बना नहीं, क्या खाते, आई एम मेकिंग सूप रात में, पम्पकिन सूप पी लेना यार, मुझे बस गला ठीक करवा दो जल्दी। हम आ गए हैं कुसार मार्केट, और यहाँ मुझे एएम ग्रोसर्स भी जाना है, जीएन स्टोर्स भी जाना है, ईसा जीज भी जाना है, एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप भी जाना है। दिस इज़ एएम स्टोर्स, एंड इनके पास बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, डस्टबिन जो है मुझे बहुत ही हैंडी लग रही है, हैव टू गेट देम फॉर द किचन, आसिफ भाई ने मंगवाई थी, एंड दे हैव अ वेरी वेरी नाइस रेंज ऑफ होम स्टफ। अब हम लोग आए हैं अपनी जूस की जो है सब्जियाँ शब्जियाँ लेने के लिए, सेलरी मैंने ले ली है, आई नीड टू गेट केल एज वेल, आई नीड टू गेट ग्रीन एप्पल्स, एंड करें जी गाइस, अब सारी ग्रोसरी श्रोसरी करके मैं आई हूँ खब्बे की सब्जी, अली की सब्जी पिक करने के लिए, बिकॉज ही वाज टू हंग्री, बस वेट करी कि वो ले आए ऑर्डर। प्लांटर जो है मेरा आ गया था, आई डिसाइडेड नॉट टू कीप द सेकेंड वन एंड जस्ट कीप वन, बिकॉज दो जो है बहुत ज़्यादा लग रहे थे, इट वॉज हिज आइडिया, तो हमने बोला चलें जी आपकी बात सुनते हैं हम, तो ये एक अभी हमने रखा है। जी गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग आर जूस, ठीक है, ये मैं बॉटल्स लेके आई थी जूस स्टोर करने के लिए कि मैं 3-4 दिन का बना के रख दूँ ताकि रोज़ रोज़ ना बनाना पड़े। हमारे जूस में जो है जाएगा केल, सेलरी, स्पिनच, एप्पल, लेमन, खीरे, पाइनएप्पल एंड लेमन जूस, और उसमें जो है मैं थोड़ा सा कॉलेजन पाउडर भी डालूंगी, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा जूस तैयार है, एंड हस्बैंड जी ने बहुत हेल्प कराई है हमारी भाई, अच्छा भी था। और ये देखिए ज़रा, ये होता है स्लो जूसर, बेसिकली आपको चलाते भी नहीं दिखाया, बट यहाँ सारा उसका जो रेजिड्यू है वो निकलता है और इसमें जूस निकलता है, नहीं ना ये देखो, ये देखेंगे
कैसे जो है इसके अंदर ये घुलता है और स्लोली स्लोली जूस करता है चीज़ें। एंड देन अगर आप सॉफ्ट जैसे पाइन एप्पल हमने किया तो आप सॉफ्ट रखेंगे, आप अगर सेलरी टाइप चीज़ें करें तो आप हार्ड रखेंगे। एंड दिस इज़ फॉर स्टॉप। गाइस मेरा तो अली तो अपना जूस पी चुका है, इरादा नहीं था मेरा कोई अली को जूस देने का, बट ही हैड जंप्ड ऑन द जूस बैंड वैगन एज वेल एंड आई एम अबाउट टू हैव माइन। वैसे तो अभी मैं इस टाइम पी रही हूँ, कल से दिस विल बी द फर्स्ट थिंग आई ड्रिंक इवन बिफोर माय कॉफ़ी। देखेंगे जी गाइस, टाइम टू मेक डिनर। आज मैं बना रही हूँ बीफ पास्ता। ये बहुत ही लीन मुझे बीफ मिला है आज अलफता से। सबसे पहले हम गार्लिक सॉटे करें, यहाँ पे हमारी जो है स्पेगेटी बॉयल हो रही है। अब हम गार्लिक में जो है बीफ डालेंगे अपना। फिर हम लोगों ने भाई इसमें डाला है सॉल्ट, पेपर, अनियन पाउडर और स्मोक्ड पेपरिका। इसको अच्छी तरीके से मिक्स होके पका लेंगे और जब ये सूख जाएगा तब हम इसमें अपनी टोमेटो प्यूरी डालेंगे। जब बीफ बिल्कुल ड्राई हो गया था तो हमने उसमें डाला एक पूरा कैन टोमेटो प्यूरी का। 2 टेबलस्पून हम लोगों ने डाले टोमेटो पेस्ट और पास्ता वाटर जो है वो ऐड करके उसको थोड़ा थिन किया है। अब इसको कम से कम जो है 20 मिनट हल्की आंच पर सिमर होने देंगे ताकि अच्छी तरीके से कच्चे टमाटरों का टेस्ट निकल जाए और बीफ का भी जो है बहुत फ्लेवर आ जाए सॉस में। ऑल्सो ये जो हैं 4 सर्विंग्स मैं बना रही हूँ। इसमें 400 ग्राम बीफ था और 200 ग्राम स्पेगेटी ड्राई। जी, जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी तो हम लोगों ने इसमें ऐड किया है 3 टेबलस्पून ऑफ हनी। तो गाइस सॉरी मैं भूल गई थी मैं रेसिपी बना रही हूँ, एंड में जो है जब वो बिल्कुल थिक हो जाए तब मैंने उसमें 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़ डाल दिए थे और अब जो है मैं अपना पास्ता इसमें मिक्स करके इसको थोड़ा सा सॉटे कर रही हूँ। आप लोग बॉयल पास्ता के ऊपर भी डाल सकते हैं एज अ सॉस और आप उसको ऐसे मिक्स भी कर सकते हैं, मुझे जो है ज़रा ऐसे ज़्यादा पसंद है। जी गाइस खाना शाना ले खाते हुए हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, काफ़ी फीलिंग है। दिस गाय इज सिक टुडे। गाइस प्लीज़ इनको टेंशन दे दें, आधी तबीयत इनकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। अली हमजा जी मजाक उड़ा रही है मेरी बीमारी का, शर्म नहीं आती। गाइज मैं डैडी का फ़ोन नीचे से लेने गई थी एंड डॉक्टर आइनिया के नाम से डैडी ने सेव किया हुआ है। जी गाइज सो दर्जी ने तो आज मना कर दिया कपड़े देने से, तो मैंने कुछ कपड़े मंगवाए थे, कुछ मुझे पीआर में आए थे, मैंने सोचा आप लोगों को वो भी दिखा दूँ और आप लोगों को मेरे रूम की स्नीक पीक क्या ऑलमोस्ट पूरी रूम रिवील ही मिल जाएगी, लेकिन ऑफिशियल नहीं क्योंकि अभी भी 1-2 चीज़ें मेजर रहती हैं, बट पर्दे आप लोगों को पीछे नज़र आ ही गए तो आप लोगों से छुपाने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को अपने आउटफिट्स ट्राई करके दिखाती हूँ। जी गाइस सो दिस इज़ माय फर्स्ट आउटफिट फ्रॉम सॉलिड्स। आई नो कि अभी बुरका लग रहा है, लास्ट टाइम मैंने मीडियम मंगवाया था और वो मुझे थोड़ा सा बाजुओं से टाइट था, बट आई शुड हैव नोन कि इसके बाजू जो हैं वो थोड़े वैसे ही फ्लो हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि थोड़ा ज़्यादा ढीला है। इसका ट्राउज़र जो है विद अ स्लिट और उस पर थोड़ा सा कट वर्क हुआ है, बट इट्स नाइस एंड कम्फर्टेबल एंड फ्लोई तो ठीक है। दिस इज़ अनदर आउटफिट बाय सॉलिड्स, ठीक है ना। ये बहुत क्यूट सा एक काफ्तान टाइप शर्ट है, फ्लोई सी। आई डोंट लाइक द स्लीव्स एज मच बिकॉज ये ना हाफ हैं ना फुल हैं, तो इसलिए मुझे थोड़े से वो ऑफ लग रहे हैं, बट ओवरऑल इट लुक्स वेरी क्यूट एंड नाइस। अभी जो है ये क्योंकि इसमें बहुत स्टिफ है, इस्त्री भी नहीं हुआ हुआ और थोड़े से इस तरह के लाइनें आई हुई, इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट इट्स वेरी नाइस। दिस इज़ ऑल्सो बाई सॉलिड्स एंड आई लव दिस वन, इट इज़ सो प्रिटी फ्लोई एंड नाइस। मैंने सब में लार्ज मंगवाया बिकॉज आई वॉन्टेड लाइक अ लूज काफ्तान टाइप स्टाइल, बट ये बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ अनदर काफ्तान, इसकी तो इस्त्री भी बहुत ख़राब है, बट दिस इज़ बाई अ पेज कॉल्ड वोक बाय आर, लिंक मैं नीचे लगा दूँगी। बहुत ही क्यूट और इसकी बहुत अच्छी फिटिंग है, नाइस स्मार्ट ट्राउज़र एंड वेरी लूज फ्लोई काफ्तान। दिस इज़ ऑल्सो बाई वोक बाय आर एंड आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट। ये विंटर मटीरियल है, खद्दर आई थिंक, एंड दिस इज़ सो क्यूट। ये भी जो आउटफिट है दिस इज़ बाई वोक बाय आर एंड आई ऑनेस्टली डोंट नो कि वो मेरा फेवरेट था, ये मेरा फेवरेट है। दिस ऑल्सो लुक्स रियली 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 नाइस। दिस इज़ द फाइनल आउटफिट, दिस इज़ बाय सॉलिड्स। इसके गले में जो है इस तरह से थोड़ा डिज़ाइन बना हुआ है और ये है फुल लुक एंड दिस वॉज माई लास्ट आउटफिट। आई होप यू गाइज इन्जॉयड माई शॉपिंग। चलो जी गाइज अब ज़रा हम लोग अपनी PM स्किन केयर करते हैं। आज मेरा एक्सफोलिएशन नाइट है तो ज़रा How is this AM? 12 AM. अरे it's PM. तो ज़रा एक्सफोलिएट करते हैं।
अच्छा जी, सो डबल क्लेंस जो है मैंने कर लिया है, एक्सफोलिएट जो है मैं करती हूँ. दिस इज़ द संडे राइली का गुड जीन्स ऑल इन वन लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट. आई ओनली एक्सफोलिएट वंस अ वीक या वंस इन 10 डेज, और इससे जो है आपकी सारी डेड स्किन और वो सब उतर जाती है. सो इट मेक्स फॉर बेटर हाइड्रेशन, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर एब्जॉर्ब होते हैं. तो आई एम गोइंग टू टेक अ पी साइज्ड अमाउंट फॉर माई फेस एंड अ पी साइज अमाउंट फॉर माई नेक. इससे जो है थोड़ी सी टिंगलिंग होती है स्किन पे, बट इट्स नॉट टू बैड. अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी तरह तो शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो, बट ओवरऑल इट्स वेरी बेरेबल, वेरी कंफर्टेबल. कुछ भी आपकी स्किन पे जो है अनबेरेबल वाला जलन नहीं करनी चाहिए. जैसे पानी पिए, जो आज पानी पिए, आज पानी पिए, ये लो पानी, हेल्दी लो, जैसे जैसे जो अक्सर एक पहले ऑर्डिनरी का AHA BHA ट्रीटमेंट आया था उससे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को जलन होती थी, एंड पीपल यूज टू से इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल और ये तो होता है, बट दैट्स नॉट नॉर्मल. लाइक अनबेरेबल वाली जलन आपको किसी भी प्रोडक्ट से नहीं होनी चाहिए. सो ये हमने एक्सफोलिएशन के लिए लगा दिया है. इट्स अ लीव ऑन ट्रीटमेंट, आप इसको उतार भी सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं. मैं जो इसको छोड़ती हूँ, माय स्किन इज़ वेरी यूज्ड टू इट. अब इसको थोड़ा एब्जॉर्ब होने देंगे, फिर हम अपना पेप्टाइड सीरम लगाएंगे. अच्छा जी, हमारा जो है अब वो सूख गया है लैक्टिक एसिड. अब हमारा जो है पेप्टाइड सिंडेला सीरम लगाएंगे ब्लिसफुल का एक्सफोलिएशन डेज पे. चाहे आप डर्मा प्लेनिंग कर रहे हों, चाहे आप लेज़र कर रहे हों, चाहे आपने वैक्स कराई हो, और इसी तरह के जो हार्श ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके बाद आपको सूदिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए ये सीरम जो है बिल्कुल परफेक्ट है. एंड इसके अंदर क्योंकि सेंटेला और एलेंटॉइन है तो वो जो हैं बहुत आपकी स्किन को सूद करते हैं. तो इस तरह के लिए, इस तरह की पोस्ट लेज़र, पोस्ट वैक्स, पोस्ट एक्सफोलिएशन, पोस्ट डर्मा प्लेनिंग, उन सब के लिए जो है बिल्कुल परफेक्ट होता है. तो ये हम लोगों ने जो है अपना पेप्टाइड सीरम लगा लिया है, फिर हम मॉइस्चराइज कर लेंगे एंड वी विल बी डन. एंड फाइनली जो है हमने अपना ब्लिसफुल का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र लगा लिया. ये भी हमारी एक्सफोलिएशन नाइट की स्किन केयर रूटीन, वेरी सिंपल एंड ईजी. एंड वी आर डन. चलें जी गाइस, स्किन केयर रूटीन भी हो गई है. अब हम लोगों ने सोचा ज़रा थोड़ा मूवी टाइम करें. एज यू कैन सी इस्लामाबाद में ठीक ठाक ठंड बढ़ गई है, तो मैंने तो भाई ये ब्लैंकेट हुडी पहन ली है, दिस इज़ माय ओनली सेवियर. वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू मूवी. इज़ इट अ मूवी और अ शो? इट्स अ शो, अ शो ऑन नेटफ्लिक्स. इट्स कॉल्ड द रेलवे मैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984. इसका हमने भी ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छा लग रहा था, सो वी आर एक्साइटेड टू वॉच इट. ठीक है, चलो. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे टू ऑफ दिस व्लॉग. सुबह सुबह जो है उठ के मैं जा रही हूँ ज़रा दूध और खाना देने हमारे कल वाले पपीज़ को. वो अभी मैं ऊपर से देख रही थी बाहर आए हुए, और आज सर मैं कुछ ज़्यादा ही उजड़ी हुई लग रही हूँ, एंड इनको खाना दे के हम आके अपना जूस पीते हैं. चलें जी, अभी वो पपीज़ क्योंकि थोड़े डरते हैं और वो नॉर्मली यहीं खेलते हैं तो हम यहाँ छोड़ देते हैं, वो आके खा लेंगे. चलें जी गाइस, इट इज़ टाइम फॉर आर ग्रीन जूस एंड आई एम गोइंग टू हैव अबाउट 300 ml. और ये सुबह सुबह अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, सिर्फ लाइक लिटरली खाली पेट है. दैट इज़ गोइंग द फर्स्ट थिंग दैट आई एम हैविंग. हमारे पपीज को जो है खाना मिल गया और बाहर से दूसरे डॉग्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और वो उन पर भौंक रहे हैं कि वो अंदर ना आए. आज मेरा नाश्ता करने का भी मूड हो रहा था, सो आई एम हैविंग एग्स एंड ब्रेड, माय फेवरेट. अच्छा जी गाइस, अब नाश्ते को जो है और जूस को वगैरह काफ़ी टाइम हो गया. लाइक आई हैड माय ब्रेकफास्ट अराउंड 11 AM और अब जो है थिंक 2 बज रहे हैं. सो अब मैं जाके अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ, बिकॉज नींद जो है मुझे थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई थी. तो आई एम हैविंग माई कॉफ़ी नाउ एंड क्या कहते हैं,
मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बताया था दैट कॉफ़ी शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग दैट यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग. आपको चाहिए कि आप सुबह एक पहले या तो पानी का ग्लास पी लें या कुछ खा लें फिर कॉफ़ी पिएं. तो आई वॉज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट बट मुझसे हो नहीं रहा था बिकॉज आई जस्ट लाइक अगर मैं कुछ खा लेती थी पी लेती थी तो मुझे कॉफ़ी पीने का बिल्कुल दिल नहीं करता था और फिर नींद भी नहीं उठती थी. तो अब जो है थोड़ा बहुत अल्लाह ताला साथ देंगे तो इम्प्लीमेंट होगा. एक जो मैंने चीज़ नोटिस की है वो ये है कि कॉफ़ी जो मैं सुबह पीती थी तो मेरी ऑब्वियसली कैफीन सप्रेसेस योर हंगर, तो मुझे जो बिल्कुल नाश्ता वाश्ता करने का दिल नहीं करता था. आज मैंने क्योंकि जूस पिया तो मुझे बहुत भूख लग रही थी थ्रू आउट द डे और अभी तक बहुत भूख लग रही है. होपफुली इट विल गो अवे फ्रॉम द कॉफ़ी. ऑल्सो रात में जो है हमने जो शो देखना शुरू किया था द रेलवे मैन के नाम से नेटफ्लिक्स पे, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट इन भोपाल जहाँ पे गैस लीक हुई थी. एंड अभी हमने एक ही एपिसोड देखा रात में, उसके बाद हम सो गए थे. बट इट वॉज द फर्स्ट एपिसोड वॉज अमेजिंग अमेजिंग. आई कॉन्ट वेट टू वॉच मोर ऑफ इट. एंड आप लोग ने अगर देखा हुआ है या आप नहीं देखा हुआ, अगर देखा हुआ है तो लेट मी नो हाउ इट इज़ एंड इफ इट्स वर्थ वॉचिंग. वैसे तो मैं बोलें भी कि नहीं अच्छा तो मेरी बस चुल है कि मैं एक दफ़ा शुरू कर दूँ तो मैं ज़रूर देखती हूँ, और अगर नहीं देखा हुआ तो यू गाइस शुड स्टार्ट वॉचिंग इट एज वेल. चलें जी गाइस, नहा धो के अच्छी सी थोड़ी सी स्किन केयर करके अब मैं जा रही हूँ अपना पम्पकिन सूप चढ़ाने के लिए. और रात की कल की बची हुई स्पेगेटी थी तो मैं जो हूँ अभी प्री वर्कआउट मील में वो खाऊंगी. अली की कल की खब्बे की सब्जी पड़ी हुई, अली वो खाएगा. एंड रात में आई एम मेकिंग एयर फ्रायर बैंग बैंग चिकन तो उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. अभी ज़रा अपना पम्पकिन सूप चढ़ाते हैं और साथ में जो है खाना खाते हैं. ये जो है मेरी कल वाली स्पेगेटी रिफ्रेश हो रही है और यहाँ मैंने सूप चढ़ा दिया है. चलो जी गाइस, मेरा जो है सूप भी बन गया है और खाना भी हम दोनों ने खा लिया है. एंड आज जो है अम्मा और हमना भी वापस आ रहे हैं क्यू कनेक्ट से. बहुत ही उनको अच्छी लगी है क्यू कनेक्ट. अपेरेंटली क्यू कनेक्ट इज़ लाइक द बिजनेस क्लास ऑफ बसेस एंड मैंने तो कभी नहीं उसमें ट्रैवल किया, अली ने किया हुआ है. एंड अली क्लेम्स अच्छा नहीं है यार. अली क्लेम्स दैट इट्स नाइस बट वो वॉर्न आउट हो गई है थोड़ी सी टाइम के साथ. बट हमना से जो मैंने रिव्यू लिया, हमना तो बोल रही बहुत अच्छा. और साथ में अम्मा की उसने वीडियो भेजी, अम्मा तो सो रही हैं जी जी. ये मैडम जब से हमना और अम्मा गए हैं मैडम लोनली हो गई, तो ये हमारे कमरे में ही रहती है. सो हमना भी अपना कमरा रेनोवेट कर रही थी तो हमना का जो है कि कहते हैं फर्नीचर भी नहीं था और वो आज ही वापस आया है. तो मैंने ज़रा अच्छी सी उस पर बेडशीट बिछा के साथ में लैम्प वैम्प जला के उसको तैयार कर दी ताकि हमना को ज़रा एक्चुअल लुक मिले अपना. दिखाऊंगी मैं नहीं आप लोगों को बिकॉज आई थिंक शी वॉन्ट्स टू डू हर रूम मेक ओवर वीडियो एंड स्टफ, तो आई डोंट वॉन्ट टू रूइन दैट फॉर हर. बट बहुत अच्छा लग रहा है उसका कमरा. अच्छा जी गाइज, तो अब जो है हम लोग ज़रा अपना जूस बना के स्टोर करते हैं क्योंकि कल मैंने काफ़ी कम बनाया था तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया. आई थिंक कल का ही एक बंदे का है, मेरा या अली का होगा, दोनों का नहीं होगा. तो लेट्स, मैंने बनाना शुरू कर दिया तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ज़रा दिखाते हैं. सो ये मशीन है, इस पर आप चूज़ करते हैं कि आपको सॉफ्ट करना है हार्ड करना है. क्योंकि मैं अभी सेलरी कर रही हूँ तो मैंने उसको हार्ड पर रखा है. इस तरीके से जाता है अंदर, यहाँ जूस निकलता है, वहाँ जो है उसका रेसिड्यू निकल जाता है. तो सबसे पहले हम लोग अपनी सेलरी को कर रहे हैं जूस. सेलरी का जो है जूस में सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है एंड सेलरी इज़ आल्सो द मोस्ट बेनिफिशियल आउट ऑफ एवरीथिंग दैट वी पुट इन हियर. हमारी सेलरी हो गई है, अब हम डालते हैं अपना पालक. अब हम लोग जो है अपने खीरे और अपने एप्पल्स काट के डालेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे. पाइनएप्पल मेरे पास ख़त्म हो गया तो इस बैच में आई एम नॉट पुटिंग पाइनएप्पल. जब तक हम खीरे काट रहे हैं तब तक इसको स्टॉप कर देते हैं. चलें जी अब हम लोग ऐड करते हैं अपने खीरे. खीरे जो हैं सबसे ज़्यादा जूसी होते हैं
एंड दे ऐड द मोस्ट हाइड्रेशन टू योर जूस। इसे खीरे से कितना ज़्यादा जूस निकलता है। ये हमारे जो हैं ग्रीन्स जूस हो गए हैं। अब हम लोग इसमें डालेंगे एप्पल्स। एप्पल्स मैं डालती हूँ अबाउट 6 to 7 और उससे जो है 2 लीटर हमारा जूस बन जाता है। हम थोड़ा सा पानी भी इसमें मिक्स करते हैं। चलो जी गाइस, हमारा जूस जो है रेडी है। ये कॉन्सेंट्रेट है, पीते हुए हम इसमें हाफ ग्लास जूस के बाद आपस की ये बात ये है जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो हमने बोला पानी मिलाएंगे इसमें। हाँ, तो आधा ये और आधा, वैसे भी इट्स लाइक वेरी कॉन्सेंट्रेटेड तो पानी के साथ ठीक है। और ये गाइस मेरा सूप आज बहुत ही मज़े का बना है। चलिए जी गाइस, अली इज़ गोइंग टू पिक अम्मा। घर पे कोई नहीं है सो आई हैव टू स्टे एट होम, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं खाना ही बना लेती हूँ। और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हमना टू सी हर रूम फाइनली। हम लोगों का भी कमरा इज़ कमिंग अलॉन्ग, बल्कि एक ही अब चीज़ रह गई है और उसको भी आने में हफ्ता है आई थिंक, तो यू गाइस विल हैव टू वेट अ वाइल फॉर द फाइनल रिवील। अच्छा जी गाइस, तो मैंने जो है जल्दी जल्दी खाना बनाया और साथ साथ मम्मा से वीडियो कॉल पर बात करी थी, तो आई कुडंट मेक द वीडियो, बट मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू करके बताती हूँ। सो बेसिकली हम लोगों ने चिकन ब्रेस्ट फिलेज लिए और उसमें जो है इस तरह से कट्स किए और इसको हमने सीजन किया सॉल्ट, पेपर, अनियन पाउडर और स्मोक पेपरिका के साथ। और ये जो है मैंने सॉस बनाई थी, इसमें मैंने डाली है अबाउट 50 ml ऑफ मेयो, 50 ml ऑफ स्वीट चिली सॉस और कोई 1 tablespoon ऑफ हनी। सो अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर मैंने ब्रश कर दिया है और अब इसको हम लोग एयर फ्राई करेंगे एट 200 degrees फॉर 20 minutes। ठीक है ना, तो ये 200 degrees के लिए 20 minutes के लिए एयर फ्राई करेंगे। और गैस चली गई है, तो साथ में राइस कुकर में हमारे गार्लिक बटर राइस बन रहा है। अम्मा और हमना भी आ गए थे एंड हमना लव्ड हर रूम एंड अम्मा लव्ड हर रूम टू, सो दे वर बोथ वेरी 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 हैप्पी। अभी आप लोगों को मिलवाते हैं उनसे। ठीक है गाइस, फिर आपने इसको एयर फ्रायर से निकालने के बाद ऊपर थोड़ी सी और सॉस ब्रश कर देनी है एंड इट इज रेडी टू ईट। ये अली हमजा का है एंड दिस इज माइन। चलिए गाइस, नाउ टाइम टू वॉच आवर शो। मुझे पिछले एपिसोड का भी थोड़ा सा देखना पड़ रहा है बिकॉज़ दिस गाइस स्लेप्ट इन द मिडल ऑफ द एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू day 3 ऑफ दिस व्लॉग, स्टार्टिंग माय डे विद माय ग्रीन जूस। बड़ा मुश्किल है ये करना, बट चले अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। कल मैं आप लोगों को अम्मा और हमना से इसलिए नहीं मिला सकी क्योंकि हम सब हमना के कमरे में बैठे हुए थे और हमना के कमरे में वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, तो अभी आप लोगों को मिलवाते भी फिलहाल तो आई जस्ट गॉट अप एंड आई हैव टू गो फॉर स्विमिंग। स्विमिंग पे चलते हैं और फिर आके मिलवाते हैं। चलें जी गाइस, पहुँच गई हूँ मैं स्विमिंग के लिए और अभी पहुँचते पहुँचते किसी बंदे ने जो है मेरी गाड़ी को मार दिया, सो माई डे डिड नॉट स्टार्ट ऑफ वेरी वेल, बट इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। चलिए जी गाइस, आई एम डन विद स्विमिंग। बहुत अच्छा सेशन था, थोड़ा छोटा था बट बहुत अच्छा था बिकॉज मैं अपनी कैप और गॉगल्स घर भूल आई थी, तो जो यहाँ पे मुझे मिले वो बहुत टाइट थे, इसकी वजह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। सो आई ओनली स्वैम फॉर लाइक 45 minutes, बट ओवरऑल फ्रूटफुल था। अब ज़रा चलते हैं, मुझे सिर्फ शिमला मिर्च लेनी है और एक दो और चीज़ें लेनी है। टुडे आई एम मेकिंग पेरी पेरी चिकन एंड राइस और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करेंगे। मेरे टेलर का भी फ़ोन आ गया था, शायद कपड़े पिक कर लें, तो आज हम लोगों को कपड़े भी मिल जाएंगे। गाइस, स्विमिंग के बाद लगती है शदीद किस्म की भूख, और जब मैं कॉफ़ी पी के आती थी तब तो मुझे नहीं लगती थी। उन्होंने बताया था कि कैफीन से जो आपकी हंगर सप्रेस हो जाती है, तो मैं सब्ज़ियाँ लेने आई थी। हफ्ते ना मुझे सामने नज़र आ गया पंजाब समोसा को एंड आई गेव इन एंड गॉट अ समोसा। ट्राई करते हैं वैसे गरम गरम। बहुत मज़े का। चलें जी गाइस, आई एम होम। और हमारे ना पिछले कुछ दिनों से घर में सबको वायरल हुआ हुआ था एंड मुझे लग रहा था कि मैं बच गई हूँ, बट सैडली आई फील इट कमिंग टू टुडे। सो गाइस, समोसा जो है ना बहुत ही मज़े का था,
नो रिग्रेट्स। अब ज़रा कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि कॉफ़ी विड्रॉल से सर में दर्द हो रहा है या पता नहीं तबीयत ख़राब की वजह से हो रहा है। चलें जी गाइस, माय कॉफ़ी इज़ रेडी, इट लुक्स सो प्रिटी। ऑल्सो आई कैन फील अ सोर थ्रोट कमिंग, बट नथिंग कैन रिप्लेस माय आइस्ड कॉफ़ी फॉर मी। चले जी गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं अपने मरीज को लेके डॉक्टर वजाहत के पास। अली का जो है घुटने का जो इशू हुआ था, उसका बस हमें थोड़ा सा फॉलो अप लेना था, जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज स्टिल ओके। तो हम किसी जीपी शीपी को दिखा दूं गला? नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रीटमेंट बताओ क्या करूं क्या कहूं। जाओ तुम जीपी को दिखाओ, डॉक्टर साहब प्लीज बताएं। नहीं नहीं, तुम जाओ किसी जीपी, ये होता है गाइस घर की मुर्गी दाल बराबर। सही है, आइंदा मैं कभी इसका ना कोई इलाज करूंगी ना इसको कुछ बताऊंगी ट्रीटमेंट। ये जाके मुझे बताया कि पैसे दे के क्या करूं, खास पैसे पैसे दे के दिखाए किसी को। सही है ना, खांसी कर रहा हूं कब से। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर वजाहत के पास, हु इज आवर फेवरेट ऑर्थोपेडिशियन। अली मेडिकल में बैठते हैं, हिज नेम इज डॉक्टर वजाहत तकवी। तो अगर आप लोगों के कोई गोडों गिट्टों के मसले हैं तो उनको जरूर दिखाएं, ही इज द बेस्ट। और माशाल्लाह से मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि कुछ लोग कॉम्पिटेंट तो होते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों की नेचुरली हाथ में बहुत शिफा होती है, एंड ही आई बिलीव इज वन ऑफ देम। अम्मा का क्या कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया, अम्मा इज पेन फ्री। मम्मा का ऑस्टियोपोरोसिस का उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया, मम्मा इज पेन फ्री, माशाल्लाह माशाल्लाह। अली का जो घुटने का मसला हुआ उसके बाद जो है ही इज डूइंग सो मच बेटर, सो ही इज अ वेरी 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 गुड डॉक्टर। चलिए जी गाइस, अब डॉक्टर के बाद हम लोग आए हैं जरा कोसार मार्केट पोर्टर स्टेक हाउस, बिकॉज़ अली वांटेड टू हैव स्टेक एंड मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आई डोंट फील लाइक हैविंग रेड मीट। ये भाई अली का रिब आई स्टेक आ गया है, और मेरी पार्मेजान चिकन, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी सर्विंग है। आई डोंट इवन थिंक आई विल हैव हाफ ऑफ दिस। लेट्स लुक एट अली स्टेक। अली बहुत ज़्यादा गुलाबी नहीं, टेस्ट करके देखते हैं। ये पोर्टर स्टेक हाउस के बराबर में कुरैशी मीट है, वहाँ है लुक एट दैट सैलमन, और ये क्या है लैम समथिंग, क्या है लैम रोस्ट, लैम सैडल चॉप्स। अब भाई हम लोग आए हैं PM store and look at the Japanese, Korean, Asian collection that they have. They have udon noodles, they have buckwheat noodles, they have curry, they have all these different tempura batter, they have tofu, they have green curry paste, red curry paste, they have the QP mayonnaise as well and shiitake mushrooms. चलिए जी गाइस, डिनर शिनर करके हम दोनों एज यू कैन हेयर हम काफी बीमार हो गए हैं, गले शले खराब हैं, मैंने इनको तो वायरल दे दिया गाइस। तो डिनर शिनर करके अब हम जा रहे हैं सबसे एक्साइटिंग काम के लिए, विच इज दर्जी से अपने कपड़े लेने के लिए, एंड फिर आप लोगों को दिखाते हैं जरा मास साहब से। साथ में जो है मैं साथ साथ अपने फ्लू को ओवरकम करने के लिए बेबी पाइनएप्पल खाए जा रही हूँ लाइक चिप्स। गाइस मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बेगम हमसे कितना झूठ बोलती है। मतलब देखें यार, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, ठीक है, मिडिल क्लास होने के मतलब होते हुए पाइन एप्पल नॉर्मल मिलता है मेरे ख्याल से 500-600 रुपए का, ठीक है, सब्जी मंडी में ये इतवार बाजार में ना जो मतलब 1500 का। मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ वैसे अंदर से भी तो इतना से निकलता है, मतलब 1500 का मिला, ठीक है। मैंने कहा मुझे क्या पता तुम साथ लेने आ जाओगे मेरे, प्राइस है यार ठीक है, मतलब रीजनेबल प्राइस है, जो इतना मीठा ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप मतलब अगर खट्टा हो कुछ है तो आप बोल सकते हैं खट्टा है वापस करो कुछ है। आज हम गए, ऐसे मुझे पहले ही बोला, कहते यार वो मैं ना तुम्हें झूठ बोल रही थी, अभी भी कम प्राइस बताई तो वो ना 1500 का नहीं था 2200 का, मैंने कि 700 रुपए के लिए झूठ क्यों बोलेगी, मैंने अली मुझे याद नहीं थी 3000 रुपए का, नहीं नहीं 2700 अरे 2800 रुपए का था, 3000 राउंड का था अली, 3000 रुपए का अली 2690 तो अली इतना ज्यादा भी तो है, ये देखो ये इतना कहाँ निकलता है पाइनएप्पल, बहुत महंगी भी मिली है विद नो रिफंड पॉलिसी। तो मुझे हम, जो तुम डिफेक्टेड टूटे फूटे मिले हो हर रोज मेरी मेडिसिन का इम्तिहान जो ले, हम अगर अकेले जाते, मतलब मैं अगर अकेला जाता मैं कभी भी ना लेता, मैं तो सोच समझ, मैं तो शायद अगर सेब भी इतने को होता मैं ना लेता, और मैं तो बार्गेन करता जाके तुम्हारा
एज अ शोहर काम क्या है, मेरे नखरे उठाना ही है ना, उठाता। टेलर के पास आ गई हूँ एंड अच्छे खासे मेरे कपड़े तैयार हैं, ऑल ऑफ देम लुक सो प्रीटी। एज़ यू कैन क्लियरली सी कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सॉलिड बनाया, ऑलमोस्ट हर कलर में मेरे पास ये टेक्सचर्ड सॉलिड है। एंड मेरी क्यूट सी लेमन वाली शर्ट है, ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी घर जाके। चलो जी गाइस, वी आर बैक और हमारा वूफ जो है वो सही वाला रीस्टॉक हो गया है। हमने बोला साथ ही ज़रा अपनी छोटे छोटे फ्रेंच को डाल दें खाना। हैप्पी कहाँ है? हैप्पी डॉग, हैप्पी डॉग, हैप्पी डॉग, हैप्पी डॉग। हाय हैप्पी, वो देखो साथ में पपी। हाय हैप्पी डॉग, केशियो, हेलो, हेलो, हेलो। चले जी गाइस, आई एम होम। अब आप लोगों को अपने कपड़े ट्राई करके दिखाती हूँ। चले जी गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट आउटफिट। ये मैंने जो है एक बहुत क्यूट सी शर्ट बनवाई है, इसके जो गले में मैंने एक शीशे वाली लेस लगवाई है, बाजुओं पे भी इस तरह से, और ये जो है दामन पे भी, और साथ मैंने पहना हुआ एक बहुत खुला सा ट्राउज़र, सो क्यूट। दिस इज़ माई अदर शर्ट, ये एक बहुत क्यूट सी येलो कलर की शर्ट है, इसके बाजुओं पर ये लेस लगवाई है, गला जो है मैंने ऐसे बनवाया है, दामन खाली है, और साथ मैंने खुला सा ट्राउज़र बनवाया है। दिस इज़ माई थर्ड आउटफिट, ये जो है एक ब्लैक टेक्स्चर्ड लिनन का सॉलिड्स है, ये इसमें छोटा छोटा जो है टेक्स्चर है, विद अ स्ट्रेट ट्राउज़र। ये जो है एक क्रॉस स्टिच का अनस्टिच सूट था मेरे पास, ये इसका दुपट्टा है। दिस इज़ द ट्राउज़र, आई नो सॉक्स थोड़ा लुक ख़राब कर रहे हैं मेरा, बट इग्नोर दैम, बहुत अच्छा सा इसका गला बना हुआ है। ये जो है एक और मेरा सॉलिड आउटफिट है, थोड़ा ऑलिव ग्रीन कलर में विद स्ट्रेट ट्राउज़र, लूज सा ए लाइन स्टाइल है। ये जो है मैंने एक शॉर्ट शर्ट और शलवार सिलवाई है, अभी तो खैर इस्तरी नहीं हुई हुई इसलिए इतनी ऑफ लग रही है, बट इट इज़ वेरी वेरी क्यूट। गले पे जो है इसके मैंने लेस ली थी वो लगवाई है, बाजुओं पे भी इस तरह से लगवाई है, और शलवार पे वैसे मैंने बोला था लेकिन लगाना भूल गए हैं शायद। अनदर हॉट पिंक पटाखेदार सॉलिड, इसके साथ मैंने थोड़ा खुला ट्राउज़र सिलवाया है, और बाकी ऊपर जो है प्लेन शर्ट है विद शेरवानी कॉलर। ये भी जो है सॉलिड ही है, लेकिन इसके साथ मैंने जो है इस तरह का गला और फुल लेंथ शर्ट जो है लंबी सी सिलवाई है, ए लाइन थोड़ी सी, सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। और गाइस एक लास्ट ही ग्रीन है जो मैं अब नहीं पहन रही बिकॉज सब सेम ही है, तो आप लोग खुद अज्यूम कर लें कैसा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ दिस व्लॉग फ्रॉम मी एंड माय ग्रीन जूस। रात में जो है हम लोग शो देखते देखते सो गए थे, एंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, एक एपिसोड रह गया। एंड द रेलवे मैन इज़ सो गुड, सो गुड, सो प्राउड ऑफ इंडिया। द प्रोडक्शन क्वालिटी एक्चुअली लुक्स लाइक अ शो फ्रॉम हॉलीवुड, बहुत अच्छा था। यू गाइस शुड डेफिनेटली डेफिनेटली वॉच इट। तो आप लोगों से मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में। मैंने सोचा था कि रूम रिवील मेरा नवंबर में ही हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकी मेरी बाकी चीज़ें, तो आप लोगों को अब दिसंबर में इंशाल्लाह रूम रिवील करके दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।